जी हाँ दोस्तों, आज 5 जून है और 5 जून से जो दोस्तों जो सागर है दोस्तों वो अनलॉक हो जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि सागर ज़िले में दोस्तों 5 जून को सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया था। 1 जून से हमारा मध्य प्रदेश अनलॉक हो चुका था, लेकिन 4 जिले थे जिनमें लॉकडाउन लगा दिया गया था। नंबर 1 पर था हमारा मुरैना, नंबर 2 था हमारा सागर और नंबर 3 था दमोह और नंबर 4 था हमारा सीधी, जिसमें से मुरैना 4 तारीख को अनलॉक हो चुका है। कल अनलॉक हो कर दिया गया है मुरैना ज़िले को। इसके बाद है सागर का नंबर, सागर 5 जून को अनलॉक किया जाएगा। ओके, तो 5 जून यानी कि आज अनलॉक होने वाला है। पहले दिन राइट, तो दूसरे दिन लेफ्ट साइड की दुकानें सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक खुलेंगी। सैलून और रेस्टोरेंट को छूट रहेगी। विवाह में 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल। पूरी इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे, कोरोना संक्रमण के चलते 50 दिनों से लॉक सागर जिला 5 जून रविवार की सुबह 6 बजे अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक के दौरान पहले दिन राइट साइड तो दूसरे दिन लेफ्ट साइड की दुकानें खुलेंगी। इसके बाद 16 जून तक बाजार खुलने की यही प्रक्रिया लागू रहेगी। तो 16 जून सुबह 6 बजे तक यही लॉकडाउन जो अनलॉक का पूरा नियम रहेगा। इस दौरान दोस्तों दुकानदार सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक दुकान खोल सकेंगे। अनलॉक के दौरान ब्यूटी पार्लर सैलून समेत 50% दुकानें खोली जा सकेंगी। शुक्रवार को क्राइसिस मैनेजमेंट के ग्रुप की बैठक में निर्णय लिया गया है। अनलॉक को लेकर कलेक्टर्स ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया। अनलॉक में इन दुकानों को छूट रहेगी और आदेश के अनुसार 5 जून से अनलॉक जिले के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसे किराना दुकानें, कपड़े, बर्तन, ज्वेलरी, आटा चक्की, सैलून, इलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल दुकान, रेस्टोरेंट आदि सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक 50% के साथ खुल सकेंगे। इनका खुलने का क्रम एक दिन छोड़कर रहेगा, यानी कि एक दिन राइट साइड की दुकानें खुलेगी तो दूसरे दिन लेफ्ट साइड की दुकानें खोली जा सकेंगी। पहले दिन यानी कि 5 जून को राइट साइड की दुकानें खुलेंगी। अधिकारी ने बताया है कि निर्देशानुसार सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक शराब की दुकानें भी खुलेंगी। लेफ्ट और राइट फार्मूले पर भी लागू नहीं होगा। इसमें जो शराब की दुकानें उनमें लेफ्ट और राइट का फार्मूला लागू नहीं होगा और ये डेली बेसिक पर खुलेंगी। इनको मिलेगी छूट। सभी प्रकार के उद्योग, औद्योगिक मजदूर, फल, सब्जी, हाट, टेली, दूध वितरित करने वाले लोग आवासीय क्षेत्रों में घर घर जाकर वितरण कर सकेंगे। नगरीय क्षेत्रों में दोस्तों ये सारी चीज़ें खुल सकेंगी। तो मतलब इनको छूटे रहने वाले। दूध डेयरी सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक डेयरी चलेगी। येलो और ग्रीन जोन के ग्रामों में सभी मने रहेगा। कार वगैरह सभी हो सकेंगे। शराब की दुकानें शासन के निर्देशानुसार जैसा कि आपको पता है खुल सकेंगी। तो किसी भी स्थान पर 6 से ज़्यादा व्यक्ति जमा नहीं हो सकेंगे। सभी को मास्क लगाना और रेस्टोरेंट में भी कुल क्षमता का 50% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। रविवार को रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। और वहीं दोस्तों रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। शनिवार रात 10 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा और प्रतिदिन रात को 10 बजे से 6 बजे तक भी नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। धार्मिक स्थान में 4 लोगों का प्रवेश रहेगा। कंटेनमेंट जोन जहां पर बनाए गए हैं वहां पर केवल दूध और सब्जी मिलेगी। शादी में 20 तो अंतिम यात्रा में 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। ये गतिविधियाँ रहेंगी प्रतिबंध। ये सभी जो गतिविधियाँ पूरे मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित हैं वो सागर जिले में भी प्रतिबंधित रहेंगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 4 जून को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो पूरी अपडेट आपको मिल गई जो भी सागर की है। इस वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।